गत दिनों 8 अप्रैल को संपन्न जिला पंचायत की बैठक में लगे आरोपों का जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने सिलसिलेवार जवाब दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने जो भी आरोप लगाए हैं वह सभी निराधार और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्य शासन के निर्देश तथा सदन की सहमति के आधार पर ही हो रहे हैं। आवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार को नियुक्त नहीं किया है। अध्यक्ष के विवेकाधीन कोष को लेकर जो विवाद है वह पूर्व से चली आ रही परंपरा है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कुछ सदस्यों द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इस संबंध में वह कानूनी राय भी ले रही है। 8 अप्रैल को जो बैठक हुई है, विपक्षियों द्वारा जो है मेरे मानने का आरोप लगाए गए हैं, ये सरासर निराधार है। इसका इनका कोई औचित्य नहीं है। इनके द्वारा हमेशा कहा गया कि जो है सदन में हमेशा व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं, और इनके द्वारा कहा गया कि हमारे जो बजट पास होने के लिए जो हमारे पक्ष द्वारा उसमें साइन किए गए थे, तो उन्होंने जो है विपक्ष बनाकर उसको पेश करके बाहर ले गया, और मीडिया में ये कहा कि इनके माननीय सदस्य गणों को जो है कोई भी जानकारी नहीं है, चाहे कौन विपक्ष है कौन यह है। इस तरीके के बहुत सारे गलत आरोप लगाए, और उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने जाकर उन्होंने कहा कि सफाई नहीं करते हैं और संविधान की इज्जत नहीं करते हैं। ये भी उनके द्वारा बहुत ही निराधार आरोप थे। हम लोग जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने हमेशा सफाई करते हैं, जिन्होंने हमारा देश का संविधान बनाया, और जो हम अपने देश में जो अपने अधिकारों के प्रति आज हमको स्वतंत्र हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, और चाहे हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनना हो या कोई भी चीज़ करना हो तो हम उसके लिए एक आज़ाद हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं। अच्छा, एक आरोप उन्होंने अधिक जी लगाया कि मनमाने तरीके से आपने नियुक्तियां भी की हैं, मनमाने तरीके से आपने प्रमोशन भी किए, क्या है उसकी सच्चाई? नहीं, मैंने मनमाने तरीके से कोई नियुक्तियां नहीं की हैं। जो है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, जो भी नियुक्तियाँ हैं शासन स्तर के हैं, जैसे वर्तमान समय में अध्यक्ष को जो है कोई भी पावर नहीं है नियुक्तियाँ देने का। अच्छा, प्रमोशन क्या क्या नियमानुसार हुए हैं? हाँ, ये भी शासन स्तर से हुए हैं प्रमोशन, जो भी प्रमोशन हुए हैं। प्रभारी एम ए जो अंशिका स्वरूप जी का यहाँ बागेश्वर में आई थी, पर लेकिन उनको शासन से जो वो डायरेक्टर में अटैच किया गया, और उससे पूर्व डॉक्टर सुनन कुमार जी जो है अपर मुख्य अधिकारी का कार्य देख रहे हैं, उनका भी शासन से ऑर्डर आया कि अपर मुख्य अधिकारी बागेश्वर में नहीं है, उनको चार्ज दिया जाए। सदन में जो है हम जो भी हमारे मेंबर्स हैं और जो सभागार में जो है शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग कर रहे, तो वो हमेशा उनका यही रहता है कि हम मीटिंग में व्यवधान डालें और तर्क कुतर्क करें, ऐसे ऐसे करें जो जो है न्याय संगत नहीं है। हाँ, इसमें मैं कार्रवाई करूँगी, जो उन्होंने जो है वो जो सरकारी डॉक्यूमेंट में जो है छेड़छाड़ कर रखी है उसमें मैं नियम के अनुसार कार्रवाई करूँगी। क्या था जो पक्ष विपक्ष दिया वाला आपने लिखा था, जो सदन में जो बजट पास होना था तो उसमें वो वोटिंग वोटिंग में वो नहीं थी, तो उसमें जो है सभी हमारे सदस्य गणों ने जो है वोटिंग के अनुसार जो है उसमें साइन करे बजट पारित होने के लिए, तो उन्होंने कहा लाओ मैं भी करता हूँ। जब उनको दिया गया तो पक्ष लिखा था, पक्ष के नीचे साइन हुए थे, तो उसमें विपक्ष बनाकर बाहर जाके कहा कि इनके सदस्य गणों को कोई जानकारी नहीं है, ये पक्ष विपक्ष का ज्ञान अंतर भी नहीं कर पाते हैं, इस तरीके की भाषा कही है। अच्छा, उसके बाद उसमें उस पेपर में ये भी लिखा गया कि इनके द्वारा ये किया गया, वो किसने लिखा थे? वो एम ए साहब ने लिखा, ये सदन में ही लिखा गया, सभी लोगों के राय से लिखा गया। इस तरह की ये उन्होंने अलग से किया गया। 5% डीएम साहब से जो साहब को भी जा रहा हो, क्या है उसको थोड़ा सा बताएंगे? नहीं नहीं, ये भी पूरे निराधार आरोप हैं। इसमें डीएम साहब और सीडीएस साहब को बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये सीएम हेल्पलाइन
जनता सरकार के द्वारा इस तरह की जो बहुत जरूरी काम होते हैं उनके लिए रखा गया है ये बजट, जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ ही। बजट आवंटन में जैसे कि आप बता रहे हैं कि सब संसद सदस्यों को समान बजट निधि आवंटित की जाती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं की जाती है ऐसा कुछ, तो विपक्षी सदस्यों का आपके द्वारा क्या मतलब भेदभाव होता है, सम्मान होता है? नहीं, हमारे द्वारा कोई भेदभाव नहीं होता है, प्रत्येक माननीय सदस्यों को जो है बराबर धन आवंटित होता है। अच्छा, और क्या विपक्षी सदस्यों द्वारा जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषित नीतियां हैं, उनका क्या विरोध होता है? हाँ, वो हमेशा विरोध करते आए हैं, ये बहुत गलत है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।